वाल्मीकि समाज ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर मंत्री प्रमोद भाया को ज्ञापन दिया। उपखंड क्षेत्र में पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री एवं झालावाड़ जिला प्रभारी उपखंड गंगाधार सभागार जनसुनवाई के दौरान वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष योगेश परमार के नेतृत्व में अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर मंत्री को ज्ञापन दिया। साथ ही वाल्मीकि समाज अध्यक्ष योगेश परमार ने कहा कि आगामी प्रदेश के बजट में नगर निगम और नगर पालिका मेरे सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली जाए। साथ ही जिले की ग्राम पंचायत कोलबी उर्फ मंदिर राजेंद्रपुर चौमाला को नगर पालिका में क्रमान्वित करने की मांग करी। जिला मुख्यालय पर वाल्मीकि समाज का छात्रावास बनवाने, जिले की हर ग्राम पंचायत मेरे वाल्मीकि सामुदायिक भवन बनवाने की मांग की। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे वाल्मीकि समाज को नज़रअंदाज किया जाता है। वहीं नगर पंचायत कर्मचारियों का मासिक वेतन काफ़ी कम मिलता है, जिससे उनको अपना परिवार चलाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, जिसे बढ़ाकर 8,000 से 10,000 रुपये तक किया जाए और वो भी समय पर दिया जाए, जैसी मांगे मंत्री के सामने रखी गई। इस दौरान अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत चौमाला नगर इकाई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीपीए न्यूज़ संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट।